अंडररेटेड। अंडररेटेड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम उसके असली पोटेंशियल से कम आंकते हैं। अभी तक शायद आपको भी लगता था ना कि ई बुक्स कौन पढ़ता होगा, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। आपके भाई को भी यही लगता था, जब तक मुझे मेरे रिसर्च में ये दिमाग हिला देने वाला चैट्स नहीं मिला था। आप भी देख ही लो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टा जो कि इस दुनिया का सबसे लेजिटिमेट सोर्स है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा जानने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2024 में यूएसए की ई बुक्स मार्केट का रेवेन्यू प्रोजेक्टेड है $5.3 बिलियन का, जो इंडियन करेंसी में है 40,000 करोड़ से ज्यादा। ओ माय गॉड, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो मानो। मतलब अभी तक हम इंडियंस को लगता था कि ईबुक्स कौन ही खरीदेगा, मेरी मानो तो दोस्तों ये हम डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक सोने की खदान है। तो गाइस, अब अगर मैंने प्रूफ कर दिया है कि क्यों हमें ईबुक्स एज अ डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना चाहिए, तो जल्दी से लाइक कर दो आप तक ये गोल्ड माइन पहुंचाने के लिए, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे गोल्ड माइन का पता मैं हर हफ्ते लगाता हूँ। अब आते हैं उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि हमें ये सब कुछ करना कैसे है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, हमें ढूंढना है कुछ ऐसा टॉपिक जो यूएसए के मिडिल एज ग्रुप सीखना चाहते हैं और वो उसकी डिटेल सॉल्यूशन की तलाश में है, और इस रिसर्च के लिए हम यूज करेंगे trends.pinterest.com का, क्योंकि पिंटरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म है। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको दिख जाएगा टॉप ट्रेंड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स दिस मंथ। बस आप देख लो कि आपका टॉपिक यहाँ है या नहीं, अगर है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेने का, आपको सिंपल फिल्टर्स में जाना है और अपना इंटरेस्ट वाला टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर ईयरली चेंज को सॉर्ट करना है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, और लो जी ये रहा आपके खजाने की पहली सीढ़ी। ऊपर से देखना शुरू हो जाओ और जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है उसको कर लो फाइनल। सो गाइस, ये था हमारा स्टेप वन। स्टेप टू में अब सिंपल आपको चैट जीपीटी पे जाना है और ये प्रॉम्प्ट देना है, Hey Chat GPT, kindly assist me like a 5-year experienced ebook writer. I am writing an ebook on DIY your topic. यहाँ पर आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करोगे। I want detailed yet practical chapters. My ebook will help my readers in understanding from basics to advanced your topic DIY. Make sure you don't overdo and make it boring. Guys, मैंने लिया है front yard landscape layout को मेरा आज का टॉपिक। इसके बाद Chat GPT आपको ये देगा। First introduction, second chapter 1 understanding landscape design, then chapter 2 getting started with your project, chapter 3 designing your layout, chapter 4 implementation phase, chapter 5 advanced design techniques, chapter 6 maintenance and upkeep, and finally conclusion. जैसे ही आपको लगे कि ये chapters आपके audience के लिए बिल्कुल fit हैं, अब चलते हैं next step में। अब आपको इन chapters के एक-एक करके content बनाने होंगे, जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों को इंक्लूड करना है। सिर्फ टेक्स्ट वाला ईबुक तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग एंड मोनोटोनस हो जाएगा और ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली। तो अब अगर आपको अपने टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज है तो बिलीव मी, आप बनने वाले हो द नेक्स्ट बिग शॉट इन ईबुक सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आप जो वैल्यू दे पाओगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। बट मान लेते हैं अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं भी है आपके टॉपिक के ऊपर, तो भी टेंशन नहीं लेने का, भाई है ना आपका। आपको मैं बताता हूँ एक ऐसा सीक्रेट जिसमें आप पूरा का पूरा ईबुक चैट जीपीटी से लिखवा लोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसे? आइए स्टेप देख लेते हैं। तो गाइस नाउ, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने चैट जीपीटी से ही चैप्टर 1 जो है लिखवा लिया है। पहले सिर्फ हमने चैप्टर्स लिखे थे चैट जीपीटी से, लेकिन अब चैट जीपीटी ने मुझे चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप डिजाइन भी दे दिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली उसने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, जो कि किसी भी ऐसे ऑडियंस को पसंद आएगा और उसको गाइड करेगा अगर वो अपना फ्रंट यार्ड लैंडस्केप को बनाना चाहता है। एंड यू कैन सी दैट व्हिच इज वेरी गुड। अब चैप्टर 2 को आपको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 2 को हाईलाइट कर दिया और यहां तक चैप्टर 2 है। जस्ट हाईलाइट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा रिप्लाई का, जस्ट क्लिक ऑन रिप्लाई एंड दैट्स इट, वो पूरा यहां पर आ गया चैप्टर 2। अब आप लिखोगे काइंडली राइट अ कंटेंट फॉर चैप्टर 2 इन डिटेल फॉर माय ईबुक रीडर्स एंड एंटर। द मोमेंट यू विल एंटर,
अब आप देखोगे कि गाइस कितना बेहतरीन तरीके से इसने आपको चैप्टर 2 देना शुरू कर दिया. जस्ट लुक इनटू इट. गेटिंग स्टार्टेड विद योर प्रोजेक्ट नाउ दैट यू हैव अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडस्केप डिजाइन, इट्स टाइम टू रोल अप ब्ला 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 ब्ला. ओके, टूल्स बता दिए कौन से टूल्स हैं, बेसिक गार्डनिंग टूल्स ये सब लगेंगे उनको जिनको उनको चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट भी दे दिया और इस तरीके से इसने पूरा बनाना शुरू कर दिया है. एंड इट इज स्टिल राइटिंग, जस्ट लुक इनटू इट. अब इसने यहां पर कंक्लूड कर दिया है by clearly defining your goals and preparing thoroughly with the right tools and well-planned budget you are setting yourself. अब देखो इसने अच्छा खासा आपको एक chapter 2 बना के दे दिया है. लेकिन क्या आप इस chapter 2 को as it is paste करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे copy करूं और मैं जाता हूं अपने paid AI detector tool पे जो कि है AI detector pro और मैं इस पे अगर new report पे क्लिक करता हूं और enter करता हूं और analyze करता हूं, तो guys आप देखोगे ये मुझे बताएगा कि ये मैंने पूरा 100% जो है चैट जीपीटी से लिखा है. जस्ट लुक इनटू इट, ये एआई से लिखा गया है. अब देख रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एआई से ही लिखा गया है ना. जस्ट लुक इनटू इट. सो गाइस जब आपने एआई से लिखा है और दुनिया इसको आराम से डिटेक्ट कर लेगी, तो फायदा क्या है फिर कोई आपका ईबुक खरीदे? क्योंकि ईबुक इज व्हाट, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. और जब यूएस के लोगों को ये पता चलेगा कि आप अपना जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी से लिखवा के उनको दे रहे हो, तो उनके लिए ये कोई वैल्यू नहीं हुई. क्योंकि चैट जीपीटी से अगर निकलवाना है तो ये तो वो खुद भी कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस पे नहीं जाएंगे. तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. और एग्जैक्टली अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें यही होने वाला है कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाया होगा लेकिन आपके जो ऑडियंस है, आपका जो रीडर है, वो पकड़ नहीं पाएगा, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी एआई डिटेक्टर टूल यूज भले ही क्यों ना करे. और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि वो लैंग्वेज बहुत ही बकवास हो जाएगा, बिल्कुल लैंग्वेज एक्यूरेट वही रहेगी जो कि इजी टू रीड भी हो और इंग्लिश एकदम परफेक्ट होगा उसके अंदर. राइट, चलो स्टार्ट करें. चलो वापस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ. गाइस एआई डिटेक्टर प्रो में एक ऐसा फीचर है जो कि आप हैरान हो जाओगे देख के कि ये कैसे पॉसिबल है, एंड दैट इज इट्स ओपन विद एआई इरेजर. द मोमेंट आई क्लिक ऑन इट, अब आपको ना ये पूरे कंटेंट में से एआई को इरेज कर देगा. तो गाइस मुझे क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट सेलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, ह्यूमनाइज कंटेंट पे क्लिक करना है. Now it is rewriting text. This may take up to 10 minutes. क्यों? क्योंकि ये अब आपके AI content को human version में convert कर रहा है. The rewrite is complete and now click on okay. So guys now इसने क्या किया, इसने rewrite कर दिया है आपके लिए. Now again मैं इसको re-scan करूंगा. So we'll check कि आपका content कितना AI से मुक्त हुआ है. And now guys your content is purely human. Just look into it guys. ChatGPT का पूरा content इसने human बना दिया है. अब मैं एक second verification के लिए दूसरे टूल पे जाऊंगा और वहां से भी चेक करूंगा कि कहीं ये टूल अपना ही कंटेंट को ह्यूमनाइज तो नहीं बता रहा. उसके लिए मैं एक और टूल को ओपन करूंगा और दिखाऊंगा ये कि एक्चुअली में कितना ह्यूमन हुआ है और कितना अभी भी एआई रह गया है. लेट्स कम बैक टू माय कंप्यूटर स्क्रीन. Paste and then check and we'll see. Guys, this is a human text. देख लो, chapter 2, getting your project rolling, there is a basics वगैरह. यहाँ पर भी आ गया, getting your project rolling, there is a basics of landscape design down and now it's approach time. आप पूरा पढ़ सकते हो, ये same वही content है जो कि मैंने यहाँ से लिया है. Just look into it. तो guys, इसका मतलब ये हो गया कि finally मैंने जो ebook के लिए content chat GPT से लिखवाया था, वो एकदम human content बन गया है. AI content कहीं से कहीं नहीं रहा और ये मैंने आपको एक नहीं दो टूल में प्रूफ करके दिखा दिया है. नाउ दिस वे यू कैन इजीली इरेज द एआई कंटेंट विद द हेल्प ऑफ एआई डिटेक्टर प्रो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इनफैक्ट मैं सारे टूल्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जो मैं आज यूज करूंगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर. जाओ और वहां से अपना एआई डिटेक्टर प्रो का साइन अप कर लो और ऐसे ही एआई कंटेंट जो चैट जीपीटी से लिखवाते हो उसको वहां से इरेज करना शुरू कर दो. तो गाइस फाइनली आपके पास एक एआई फ्री कंटेंट जो है वो रेडी है. नाउ योर ईबुक इज अबाउट टू रेडी अगर आपने पूरा कंटेंट जो है वो इस तरीके से बना लिया है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो ईबुक का कंटेंट मिल गया है. अब आप सिंपल जाओ कैनवा पे और कैनवा पे कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढो जिस टेम्पलेट पे आपको आराम से ईबुक को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कंटेंट यहां से पेस्ट करना है और टेम्पलेट कैनवा का. तो आप क्या कर सकते हो, आपका ईबुक जो है पूरा आप बना सकते हो एकदम सिंपल वे में. दैट इज वेरी इजी. अब जैसे ही आपका ईबुक कैनवा में भी फाइनल हो जाता है तो अब बारी आती है उसको डाउनलोड करके पीडीएफ वर्जन में सेव करने की. नाउ जैसे वो पीडीएफ वर्जन में सेव हो जाता है दोस्त, तो आपका ईबुक पूरी तरीके से एज अ प्रोडक्ट बन गया है. अब आप इस प्रोडक्ट को आराम से बेच सकते हो. लेकिन अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये ईबुक्स बिकने कैसे हैं? तो इसके ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रेटजी जो है मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है और ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट आपको फ्री पड़ने वाली है. इसके लिए आपको पेड एड चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आप पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से सबसे बेस्ट जो है
क्रीम ऑडियंस जो है वो ज्यादा कन्वर्ट होती है। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप समझ लो, क्योंकि आप सच में ईबुक को उतना बेच सकते हो जितना आपने आज से पहले कभी सोचा नहीं होगा, एंड दैट टू ऑलमोस्ट फॉर फ्री। तो यहां पर आके सबसे पहला आप जो काम करोगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करो। प्लगइन का नाम होगा ओमनीसेंट। गाइस आपको यहां पर सर्च में लिखना है ओमनीसेंट, ओमनीसेंट फॉर वूकॉमर्स को इंस्टॉल करना है, और जैसे इंस्टॉल हो जाए क्लिक ऑन एक्टिवेट। नाउ यहां पर आ रहा है वूकॉमर्स स्टोर को ओमनीसेंट से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन, सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंट। गाइस ध्यान रखना है, इसके लिए आपका वूकॉमर्स इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, वरना ओमनीसेंट वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट कैसे होगा। नाउ वूकॉमर्स को भी कर लो जल्दी से एक्टिवेट। अब वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आप थोड़ी बहुत चीजें और नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर सकते हो। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, कंटिन्यू। नाउ गाइस इट्स टाइम टू कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप ऑलरेडी कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। जिस ईमेल आईडी से कनेक्ट करना है उस ईमेल आईडी को यहां पर मेंशन कर दो। पासवर्ड अपना कोई भी एक स्ट्रांग रख लो, यस पे क्लिक करना है, एग्री एंड देन साइन अप। कंफर्मेशन लिंक गया है, तो गाइस मैंने उसको कर लिया है एक्टिवेट। क्लिक ऑन कंटिन्यू, इंडिया, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, कंटिन्यू टू ओमनीसेंट। नाउ गाइस आपका ओमनीसेंट का अकाउंट जो है वो बन चुका है। तो अब सिंपल क्या करना है आपको, आपको वापस आना है और यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, बिकॉज आपका अकाउंट जो है वो बन गया है। क्लिक ऑन अप्रूव एंड इट इज टेकिंग सम टाइम, और गाइस आपका फाइनल जो है अकाउंट बनना शुरू हो गया है। ये आपसे आपकी ब्रांड डिटेल मांग रहा है कि ब्रांड के कलर क्या है और ब्रांड का लोगो क्या है, बाद में भी कर सकते हैं, आई विल डू दिस लेटर। सो गाइस अब आप में से बहुत लोगों के मन में होगा कि एक्चुअली मैंने ये क्या किया, ये सारा जो प्रोसेस मैंने अभी आपको दिखाया है ओमनीसेंट वूकॉमर्स ये क्या था। तो जल्दी से स्ट्रैटेजी समझ लो, बिकॉज स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो कि आपके ईबुक को सेल करने में आपको हेल्प करेगा, वरना आप कभी भी जितना मर्जी ईबुक बना लो सेल नहीं होगा, तो आप पैसे कहां से अर्न करोगे। अब सुन लो वो धांसू रामबाण स्ट्रैटेजी जो आपके ईबुक को एकदम फायर दे देगा, रॉकेट बना देगा। मैंने क्या किया गाइस, मेरा मेन पर्पस पता है क्या है, कि मैं पिंटरेस्ट में जाऊंगा और पिंटरेस्ट में अपने ईबुक से रिलेटेड बहुत सारे पिंस बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ईबुक है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है, फ्रंट यार्ड लैंडस्केप से रिलेटेड है। अब होने के वाला है पिंटरेस्ट पे इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब पिंटरेस्ट में बहुत सारी ऑडियंस जो कि फ्रंट यार्ड लैंडस्केप पे डीआईवाई ढूंढ रही है। अब डीआईवाई ढूंढते ढूंढते मेरे पिंस उनको दिखेंगे, क्योंकि कैसे करना है मैं गाइड जरूर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन पहले स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अब जैसे मेरा पिंस उनको दिखेगा वो क्लिक करेंगे, अब मेरे पिंस पे क्लिक करते ही मेरा ईबुक उनको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ईबुक को ही प्रमोट करना था, और ईबुक के फर्स्ट 2-3 पेजेस मैं फ्री में उनको देने वाला हूं। मैं बोलूंगा ये ईबुक जो है वो फ्री में आप देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट 3 पेजेस अनलॉक रहेंगे, बाकी के सारे पेजेस जो मेन पेजेस बाकी के वो रहेंगे बिल्कुल लॉग, मतलब उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजी क्या है, फ्री में ऑडियंस मुझे पिंटरेस्ट से मिल रहा है, और पिंटरेस्ट से ईबुक का जो डाउनलोड हो रहा है उस टाइम पे वो अपना डिटेल फिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर वगैरह वगैरह। उसके बाद उसका ईबुक जो है वो डाउनलोड हो जाता है। अब जब ईबुक डाउनलोड हो जाता है तो उसने फ्री ईबुक डाउनलोड कर लिया है, जिससे मुझे सिर्फ डेटा मिला है, और डेटा इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रीशियस। अभी तक पैसे नहीं आए दोस्त, ध्यान से सुनते रहना। अब पैसे कैसे आएंगे? पैसे लाने के लिए मैंने इस ओमनीसेंट का इस्तेमाल किया है। अब ये ओमनीसेंट क्या करेगा मेरे बिहाफ पे, ये ध्यान से सुनना। ओमनीसेंट से मैं कैंपेन बना सकता हूं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे कैंपेन्स बना सकता हूं, कि जिन लोगों ने मेरे उस पर्टिकुलर ईबुक को फ्री में डाउनलोड किया था उन पे मैं कंटेंट मार्केटिंग कर सकता हूं, उनको एक फ्रीक्वेंसी में ईमेल सेंड कर सकता हूं कि जिन लोगों ने ईबुक डाउनलोड किया है लेकिन अभी तक ईबुक को बाय नहीं किया, तो उनको मैं ईमेल भेजूंगा कि अब इसका जो फर्दर वर्जन है वो अनलॉक करने के लिए आपको मैं ये डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं वगैरह वगैरह। इसके अलावा मैं एक और कैंपेन बना सकता हूं, व्हिच इज अबंडेंट कार्ट, मतलब जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था ऐड टू कार्ट भी कर दिया था मेरे ईबुक को लेकिन बाय नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ओमनीसेंट इस टाइप के ऑडियंस को ईमेल सेंड करता रहता है जो आप ईमेल कैंपेन यहां पर बनाते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या है कि आपका जो भी ऑडियंस है वो फ्री में पिंटरेस्ट से आया, पिंटरेस्ट से जैसे आया उसने आपका ईबुक डाउनलोड किया, और ईबुक डाउनलोड करते वक्त जो डेटा आया उस डेटा पे पूरी तरीके से ऑटोमेशन लग गया है। अब ओमनीसेंट आपके बिहाफ पे सारी चीजों को मैनेज करता रहेगा और वो चर्न करता रहेगा आपके ऑडियंसेस को जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं टू द मैक्सिमम लेवल, मतलब जहां तक चर्न किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 100% लोग कन्वर्ट होंगे, लेकिन इतने लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि आपको मैं बता दूं ओमनीसेंट खुद बोलता है कि $1 पे $72 का रिटर्न इन्होंने अपने कस्टमर्स का देखा है। मतलब अगर वो $1
$100 स्पेंड करते हैं तो उसके अगेंस्ट $72 उनको मिल जाते हैं एज एन रिटर्न। तो इतना बड़ा क्लेम, वो भी खासकर यूएस ऑडियंस के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वहीं से मुझे ये पूरा आइडिया जो है मिला है कि मैं इस तरीके से इसको करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है लाइव प्रैक्टिकली। तो गाइस आपको यहाँ पर जाना है, ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऑटोमेशन, यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड स्टार्ट वर्क फ्लो करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअली में इसने एक ड्रॉइंग दिखाया है, कस्टमर ने आपका कार्ड जो है अबैंडन कर दिया है, मतलब उसने एड टू कार्ड किया था लेकिन उसने बाय नहीं किया। तो अब होने क्या वाला है, अब एक घंटा वेट करने के बाद ओमनीसेंड आपके उस कस्टमर को जिन्होंने या तो कार्ड को अबैंडन कर दिया था, अब अबैंडन का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर जो कि उसने कार्ड पे ले गया था, मतलब कार्ड पे एड तक कर दिया था लेकिन उसके बाद वो उसने क्रॉस कर दिया, बंद कर दिया कि उसे नहीं चाहिए, तो उसको जाएगा। और प्लस कस्टमर अबैंडन्स एज अ चेकआउट, उसने चेकआउट करते वक्त कार्ड के बाद उसने पेमेंट पे भी पेज पे चला गया, उसके बाद भी अगर उसने आपका वो बंद कर दिया तो इन दोनों को एक घंटे बाद मैसेज जाएगा। फर्स्ट मैसेज क्या जाएगा कि आपका कार्ड में ये ईबुक था वो बहुत जल्दी बिक रहा है तो आप जल्दी से ले लो। अगर उसने इस पर्टिकुलर ईमेल पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, फॉर एग्जांपल उसने आपका ईबुक नहीं बाय किया, तो 11 घंटे के बाद वो आपको ये ईमेल भेज देगा। ये जस्ट एक ऑटोमेशन का स्टैंडर्ड वर्कफ्लो बता रहा हूं। तो वो ये वाला मेल भेज देगा, योर कार्ड मिसेस यू, मतलब आपका कार्ड जो है आपको मिस कर रहा है। फिर 12 घंटा वेट करेगा और इस तरीके से आप अपने ऑटोमेशन कैंपेन को जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना चर्न करना चाहते हो अपने ऑडियंस को। चलो क्लिक करते हैं कंटिन्यू सेटअप पे, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है कि आपको SMS चैनल भी चाहिए या ओनली ईमेल। अभी मैं चाहूंगा कि SMS इज समथिंग विच आप उसमें मत जाओ क्योंकि दैट विल बी कॉस्टलियर। ईमेल इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ही फिजिबल रहेगा इस टाइम पे। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट वर्क फ्लोज पे क्लिक करो, शो माई वर्क फ्लोज पे क्लिक, एंड देन गाइज आपका अबैंडन्ड चेकआउट और अबैंडन्ड कार्ड का जो पूरा ईमेल है वो बन गया है, वो ऑटोमेशन बन गया गाइज। जस्ट लुक एट इट, दिस वॉज एज सिंपल एज इट इज, बिलीव मी इसने बना दिया है। अब आप देखना कि आपका ईबुक जब भी प्रिंटर से कोई आपके वूकॉमर्स में आएगा, मतलब आपकी वेबसाइट में आएगा और उसने आपका फ्री में डाउनलोड कर लिया है और इसके बाद अब वो पेमेंट करने जा रहा था और पेमेंट के बाद या तो वो हट गया, पेमेंट नहीं किया, या फिर उसने चेकआउट के टाइम पे उसने बंद कर दिया, दोनों केस में ये आपके वर्क फ्लो को मेंटेन कर देगा, मतलब उनको ईमेल भेजता रहेगा और इससे कन्वर्जन आने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज द रीजन कि आपको मैंने ओमनीसेंट बताया था यूज करने के लिए कि आप अगर ऑर्गेनिक वे में अपने ऑडियंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, सर दिस इज द बेस्ट। गाइस ये 500 ईमेल्स तक आपको हर महीने फ्री देता है। इनिशियली आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा क्योंकि 500 ईमेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको उतना ट्रैफिक पिंटरेस्ट से फिलहाल नहीं आएगा जब तक कि पिंटरेस्ट के वो पिंस आपके बहुत ज्यादा वर्दी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ऑलमोस्ट फ्री में पूरा का पूरा ईबुक बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही आपका वूकॉमर्स एंड आपका ओमनीसेंट जो वो सेटअप हो जाता है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप पिंटरेस्ट पे जाओगे और ये काम शुरू कर दोगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। सो गाइस सबसे पहले आप एक काम करो, आप पिंटरेस्ट के लिए जैसे यहां पर बहुत सारे आपको थंबनेल दिख रहे हैं, थंबनेल बनाना है हमें कैनवा में आके। कैनवा के लिए हमें क्या करना है, तो यहां पर लिखो पिंटरेस्ट, जैसे पोज इंटर पिंटरेस्ट बोर्ड। अब आपके पास पिंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे थंबनेल के ऑप्शन आ गए हैं, सिंपल। अब आपको इसी का ही इस्तेमाल करना है। इसको कैसे करना है, लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसको एंड अब इसको कस्टमाइज करते हैं। अब आपको यहां पर एलिमेंट्स पे जाना है, फ्रंट यार्ड लिखना है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे इमेजेस या पिक्चर्स को यहां पर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लाइक दिस। और भी फोटोज चूज कर लो कि डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं लाइक दिस, थोड़े डिफरेंट दिखने चाहिए तभी ज्यादा मजा आएगा, सारे फ्रंट यार्ड से रिलेटेड होने चाहिए। तो गाइस मेरा एक फ्रंट यार्ड के लिए थंबनेल जो है बन गया। अब यहां पर आपको क्या लिखना है वो आप लिख लेना, फॉर एग्जांपल आपका जो भी टाइटल हो वो टाइटल आपका यहां पर आ जाएगा, कंप्लीट ईबुक फॉर फ्रंट यार्ड लैंडस्केप। गाइस बन गया मेरा बहुत बढ़िया सा थंबनेल फॉर पिंटरेस्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल इसको डाउनलोड करना है, सेव, देन गो टू पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पे जाओ, अपना खुद का ऑर्गेनिक पिन पे क्रिएट करो, अपलोड पे जो भी डाउनलोड हुआ है उसको अपलोड कर दो लाइक दिस, अपलोड हो गया, टाइटल पे फ्रंट यार्ड लैंडस्केप लेआउट। गाइस अभी मैं आपको इसका ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ाना है ये बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, अभी पूरा मैं जनरल प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पिंटरेस्ट को कैसे ऑर्गेनिकली रीच इसकी बढ़ानी होती है इस पे वीडियो मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो आने वाले वीडियोस जो है चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या देना चाहते हो, हियर इज द कंप्लीट ईबुक ऑन फ्रंट यार्ड लैंडस्केप लेआउट टू मेक योर फ्रंट यार्ड अ बेस्ट कॉर्नर ऑफ योर एड अ लिंक। गाइस अब इस लिंक पे क्या आने वाला है बता आपको, इस लिंक पे आने वाला है आपका WooCommerce का वो वाला प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को आप एज एन ईबुक बेचने वाले हो। तो आप जल्दी से आते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है लाइक क्लिक ऑन एड न्यू, प्रोडक्ट का नाम जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, फ्रंट यार्ड लैंडस्केप लेआउट, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो आप कोई भी दे सकते हो, अभी फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ फ्रंट यार्ड
ebook for passionate people. सबसे पहले गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर डाउनलोडेबल इस चेकबॉक्स को चेक कर देना है। सो गाइस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वेबसाइट जो है इसका जब आप WooCommerce सेटअप करोगे तो आपको डॉलर्स दिखाने हैं। मैंने INR इसलिए दिखाया क्योंकि ये साइट बेसिकली मैंने आपको ट्यूटोरियल पर्पस के लिए इस पे करके दिखा रहा हूं, वरना आपको यहाँ पर डॉलर्स देना है। तो फॉर एग्जांपल इसको $5 का आप रेगुलर प्राइस दिखा सकते हो या मैक्सिमम 14.99 क्योंकि वहां पर इस टाइप के प्राइसेस चलते हैं। सेल प्राइसेस में आप कुछ भी कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, या अगर आप नहीं भी रखोगे तो रहने दो, मत रखो इधर कुछ भी। अच्छा, डाउनलोडेबल फाइल्स को एड फाइल पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल चूज फाइल एंड देन आपका फाइल जो भी अपलोड करना है। ये कौन सा फाइल है गाइस? ये वो आपका PDF होगा जो कि आपने बनाया है कैनवा से, लेकिन कंटेंट किसका था? ChatGPT का। तो गाइस इसको कर लो इंसर्ट। गाइस देखो आपका फाइल का नाम हो गया फ्रंट यार्ड लैंडस्केप, बन गया। नंबर ऑफ डाउनलोड लिमिट 10 रख दो कि 10 बार, एक बार खरीदे तो 10 बार डाउनलोड कर पाए, इससे ज्यादा नहीं, नेवर। डाउनलोड एक्सपायरी कभी नहीं एक्सपायर होना चाहिए, आप कर दो इसको। देन सिंपल प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप ChatGPT से बनवा लो। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ भी लिख देता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देन प्रोडक्ट का इमेज वही सेम दे दो जो कि मैंने अभी दिया है, के लिए ग्रुप पे जाके यस प्रोडक्ट का इमेज आ गया यहाँ पर। अगर आपको गैलरी इमेजेस देनी है और अच्छी बात है, इसमें क्या होगा मल्टीपल आपके फ्रंट यार्ड के लुक्स आ जाएंगे, दैट इज मोर बेटर। अच्छा, कैटेगरी क्या होगी? ये कैटेगरी आप अपना वेबसाइट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आप जो भी रखना चाहो आप यहाँ पर रख लो। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग एक कैटेगरी मेरे वेबसाइट के अंदर बिक रही है एज एन ईबुक, मैं गार्डनिंग को सिलेक्ट करके एड न्यू कैटेगरी भी कर दूंगा, तो गार्डनिंग का एक कैटेगरी यहाँ पर आ गया है। टैग्स में हो जाएगा ये ईबुक एज अ प्रोडक्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है गाइस, करना है पब्लिश। द मोमेंट इट विल बी गेट पब्लिश्ड आपको एक लिंक मिल जाएगा। नाउ गाइस क्लिक ऑन व्यू प्रोडक्ट। तो गाइस अब आपको मिल गया आपके इस पेज का वो लिंक जो आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करोगे यहाँ चूज बोर्ड में, या तो बोर्ड नया बना लो या मेरे पास जो बोर्ड है उसमें से कोई सिलेक्ट कर लो। मैं गार्डनिंग का एक बोर्ड बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक गार्डनिंग क्रिएट। सीक्रेट बिल्कुल मत रखना वरना ये दुनिया को दिखेगा नहीं। क्रिएट पे क्लिक करो तो गार्डनिंग का बोर्ड बन गया, उसके अंदर ही चला जाएगा। टैग में इसमें गार्डनिंग कर दो, गार्डनिंग आइडियाज, गार्डनिंग आइडियाज एक दो और ले लो, गार्डनिंग से रिलेटेड गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स और गार्डनिंग लेआउट। अब आप यहाँ पर कर दो इसको पब्लिश। द मोमेंट इट विल गेट पब्लिश गाइज, बस अब आपकी लाइफ समझ लो सेट होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आपको ये जो प्रोसेस है डेली आपको पिन बनाने हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, बहुत सारे वैल्यूएबल पिन बनाने हैं जो कि लोग देखने के लिए आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यू नो ईबुक को प्रमोट करने के चक्कर में सिर्फ ईबुक के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोचो कि दुनिया जो खासकर US के लोग हैं वो फ्रंट यार्ड लेआउट से रिलेटेड और क्या ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उनको वो वैल्यूएबल कंटेंट दे जा रहे हो और हर बार आपका जो ये ईबुक है वहां पर एज अ लिंक मेंशन है, तो क्या होगा कि आपका पिन जो है वो पिंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा रीच दिलाएगा उसको, और उस रीच के चलते आपके लिंक पे क्लिक जरूर होगा। ये ध्यान रखना पिंटरेस्ट एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। ये अपने ऑडियंसेस के पिंस को इतना रीच दिलाता है नो मैटर उसके अंदर अगर उनका पर्सनल लिंक भी हो जिससे वो प्रोडक्ट या कुछ बेच रहे हैं। वरना फेसबुक में क्या होता है, आप जैसे ही अपने पोस्ट के अंदर लिंक डाल दोगे वो रीच इतनी डाउन कर देता है कि बस पूछो मत, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। लेकिन पिंटरेस्ट में इतना सेल आता है जस्ट बिकॉज कि आपका प्रोडक्ट हो या कुछ भी लिंक हो उसके अंदर, सिर्फ स्पैम मत करना। तो रीच बहुत ताबड़तोड़ आती है, वो भी खासकर इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए जहां पर DIY इंक्लूड हो, क्योंकि वहां पर वो खुद अपनी गार्डनिंग करते हैं। तो गाइस इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आपको अंजाम देना है। मैंने बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक जो भी पॉसिबल था करने के लिए इस पूरे जर्नी में मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। सो गाइस नाउ इट्स अप टू यू कि कितना सक्सेसफुली आप इसको अचीव कर पाओगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बता पाऊं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का, और वो भी ऑलमोस्ट विदाउट पैसे खर्च किए। आई होप गाइस आज का वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा। अगर वैल्यूएबल रहा तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, आप दुनिया के साथ शेयर करो ताकि दुनिया भी इस चीज को जान के थोड़ा बहुत वैल्यू अर्न कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना क्योंकि इससे मोटिवेशन अप होता है मेरे और मेरे टीम का इस सब की वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यूं ही इजाजत दीजिए, मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए। जय हिंद जय भारत।